छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मिल रही है, जहां खुड़मुड़ा में हुए चार लोगों की हत्या के मामले में घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर पूजा पाठ की सामग्री मिली है। मृत दंपति के कपड़े भी टीम को मिले हैं। अब भोपाल की फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले में हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। हम रुक करेंगे अनुभूति ठाकुर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई है दुर्ग से। अनुभूति, 10 दिन करीब करीब हो चुके हैं इस पूरी घटना को और पुलिस अभी तक आरोपी के बारे में कुछ जानकारी जुटा नहीं पाई। हालांकि बीच में खबरें आई थी, स्केच जारी किया है आरोपी का, क्या जानकारी फिलहाल खबर पर? देखिए आपको बता दो कि दुर्ग में चार लोगों की हत्या के मामले में आज 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। हाल ही में पुलिस को घर से जहां पर घटना हुई है वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर दंपति के कपड़े मिले हैं और साथ ही साथ पूजन सामग्री मिली है। तो अब पुलिस नए सिरे से तंत्र मंत्र वाले मैटर पर, जो उस एंगल पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने शुरू से ही इस एंगल को भी साथ में लिया था। इसके साथ ही संपत्ति विवाद वाला तो कोई मैटर नहीं है, साथ ही चारित्रिक मामला, आपसी रंजिश, तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था और अब हाल ही में जब पुलिस को ये कपड़े और पूजन सामग्री मिली है तो नए सिरे से पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन पुलिस की 50 टीमें जो है वो पूछताछ में लगी हुई है। 400 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई थी ये रिहायशी इलाके से काफी दूर में दंपत्ति का घर था, तो इनका लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। और इस पूरे मामले में एक चश्मदीद है जो 11 साल का बच्चा है और लगातार अपने बयान से वो पलट रहा है, चेंज कर रहा है अपने बयान। 3 बार इसके जारी किया जा चुका है बच्चे के कहने पर। तो फिलहाल पुलिस अब उसी आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। कल आईजी ने 30,000 रुपए जो है इनाम की घोषणा भी की इस मामले में। फिलहाल पुलिस तमाम प्रयास कर रही है, फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है, साथ ही भोपाल से आई हुई टीम भी लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच पाती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरी खबर पर।